और बहुत ही शानदार तरीके से पीछे की तरफ आप ये देखिए कलकत्ती वैरायटी उभरी है। कटीरी ने अंडे भी रख रखे हैं। नमस्कार किसान भाइयों, ऑल इंडिया फार्मर में आप सभी का स्वागत है। पीछे की तरफ देखिए आपको गूल दिखाई दे रही होंगी। गूल इसलिए निकाली जाती है, आपको लग रहा होगा कि गन्ने की फसल बोने के लिए, गन्ने के लिए फसल भी होती है, लेकिन पीछे की तरफ जो है इसमें एक कलकत्ती गुड़हल के फूल की जो प्रजाति होती है उसमें यही बोया गया है। एक तो पौधा बोया जाता है कलकत्ती फूल का, एक कलम बोई जाती है। तो पहले इसमें गूल निकाली गई, गूल निकालने के लिए इसमें जो है 3-4 बार ट्रैक्टर से अच्छे से भुरभुरी मिट्टी की गई और फिर उसके बाद खूर निकाले गए। खूर निकालने के बाद खेत में पानी किया गया। पानी देने के बाद में जो कलम थी कलकत्ती फूल की, कलकत्ती जो है गुड़हल के फूल की एक प्रजाति होती है, वही इसमें लगाई गई। अब लगाने के बाद इसमें देखिए क्या इसकी परफॉर्मेंस होती है और कितने दिन के अंतराल पे इसमें पानी करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो किसान भाइयों ये देखिए, ये कलकत्ती जो है फूल आप सभी ने देखा होगा क्योंकि शादी विवाह समारोह में सभी को फूल की ज़रूरत पड़ती है। तो ये जो खूड में लगाए गए हैं, पहले अच्छे से खेत को 2-3 बार खेत की जुताई की गई है, फिर उसमें जो है खूड से खूड की जो दूरी होती है वो 30 इंची और 6 इंची जो है पौधे से पौधे की दूरी होती है। इसमें जो है आप समय समय पर इसकी निराई गुड़ाई करते रहें ताकि खरपतवार ना जमे और इसमें पानी का विशेष ध्यान रखें। और किसान भाइयों क्योंकि जो पिछली बार अगर आप लास्ट वीडियो को देखना चाहते हैं, जो नॉर्मल विधि से बोई गई थी उसमें समतल खेत में लगा दिया गया था और इसमें क्या है कि खूड में इस वजह से लगाया गया है कि अगर आपका पौधा पानी में रहता है तो मतलब इसमें पानी से जो पौधे को नुकसान नहीं होगा और ताकि कम पानी लगे, मतलब सही मात्रा में जितनी आवश्यकता है उतनी ही आपके। देखिए किसान भाइयों यहाँ पर एक टटीरी ने अंडे भी रख रखे हैं क्योंकि पक्षी जो ज़्यादातर होते हैं वो घोंसले में मतलब पेड़ पर अंडे रखते हैं, लेकिन नहीं, जो टटीरी होती है टटीरी ने अपने अंडे खेत में रख रखे हैं। उसके लिए काफ़ी स्पेस भी छोड़ दिया गया ट्रैक्टर द्वारा, तो ये भी सही है क्योंकि पक्षी अगर हम मतलब आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूँ, जो ये पक्षी होते हैं पक्षियों के द्वारा परागण भी होता रहता है। सबका ध्यान रखना चाहिए, पक्षियों का ध्यान रख रखा है तो पक्षी से सही है। ये किसान भाइयों मेरे पीछे की तरफ जो गूल में लगाई गई हैं, ये गूल में इस वजह से लगाए गए हैं, एक तो समतल जो खेत होते हैं, समतल खेत में आप अपने जो समतल खेत में अगर हम कलकत्ती वैरायटी को लगा देते हैं उसमें क्या होता है कि आपकी जो फसल अगर उसमें पानी भर जाता है, पानी की निकासी नहीं हो पाती है तो पौधे के गलने की संभावना बढ़ जाती है। और गूल में इस वजह से लगाया जाता है, जितनी अगर आपके आसपास खेत में निकासी नहीं है और आपके खेत में पानी भरा रहता है तो सीमित मात्रा में जितने आपके पौधे को पानी चाहिए उतना ही पानी लेगा, पौधा आपका गलेगा नहीं, ख़राब नहीं होगा। और ये कई काफ़ी इसकी वैरायटी होती हैं और बहुत ही शानदार तरीके से पीछे की तरफ आप ये देखिए कलकत्ती वैरायटी उभरी है ये। और किसान भाई अगर आपको हमारे द्वारा ये बनाई गई वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कमेंट एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। देखिए कितना अच्छा पौधा हो रहा है इसका, ये देखिए दूर तक अगर आपको दिखाई पड़ रहा है। ये देखिए जब अभी जो गूल हमने दिखाई थी वो इस तरह से तैयार हो जाएगी गूल से गूल, ये देखिए। तो ये भी कलकत्ती वैरायटी है, समय समय पर इसमें दवाई करते रहें, बहुत ही शानदार तरीके से फसल जो है हो रही है ये, क्योंकि समय समय पर इसमें दवाई खाद पानी खरपतवारों को नष्ट किया गया है। गूल पर इस वजह से बोई गई है सही मात्रा में खेत जो है पौधे को पानी मिलता रहे। अगर समतल खेत में जैसे पौधा लगा देते हैं और पानी की निकासी नहीं हो पाती है तो उसमें पौधे को ख़राब होने की संभावना बढ़ जाती है। इसमें गूल में क्या होता है, सीमित मात्रा में जितनी पौधे को आवश्यकता है पानी की उतनी ही पानी लेगा, पौधा आपका ख़राब नहीं होगा। देखिए